ये तो मुझे नहीं पता कि गीता ने जादू करना कब सीखा, पर इस बात से मैं बिल्कुल भी हैरान नहीं हूँ। आम मुर्गियाँ जैसी दिखती हैं ना, गीता उससे बहुत अलग है। हमारे फार्म के पिछले हिस्से में मुर्गियों के लिए एक अपार्टमेंट बिल्डिंग है, प्रॉपर गेटेड फैसिलिटी। अगर आपको लगता है ना कि इंसानों को इंसानों से खतरा है, कभी मुर्गियों का सोचिए जनाब। खैर, गीता इस बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर रहती है। उसी के नीचे वाले फ्लोर पे श्वेता का घर है। श्वेता दिखने में बिल्कुल काली पर दिल की बहुत साफ है, पर फिर भी दोनों की बनती नहीं है। क्या हो गया? नहीं, लड़ाई क्यों करनी है तुम्हें? क्योंकि ना सिर्फ इनकी बिल्डिंग सेम है, इनका दफ्तर भी एक ही है और दोनों राइड शेयर भी करते हैं, तो इनके बीच किसी ना किसी छोटी बात को लेके नोक झोंक लगी रहती है। गुड मॉर्निंग बच्चों, चले क्लिनिक चले बच्चों। और वैसे भी ना गीता की थोड़ी आदत है कि कोई उंगली पकड़ाए तो पोंछा पकड़ लेती है। अब जिस ऊबर से वो ऑफिस तक जाती है, इसकी कोशिश होती है कि ऑफिस परिसर में भी उसी ऊबर पे घूमती रहे। ये मैडम आराम पसंद इतनी है कि टैक्सी ना मिलने पे दोस्तों से तब तक राइड मांगती रहती है जब तक वो इसको धकेल नहीं देते। जबकि भगवान ने अभी दो पैरों के साथ साथ इसको दो विंग्स भी दे रखे हैं। अब इससे कोई पूछे कि भाई चिकन विंग्स भला सिर्फ लोगों के खाने के लिए हैं क्या? वैसे ये बहुत समझदार है, पर कई बारी समझदार लोग भी ऑब्वियस को नजरअंदाज कर जाते हैं। आप इसकी समझदारी देखो कि सर्दियों में जब बाहर अच्छी धूप होती है तो बाहर का काम पकड़ती है, और गर्मियों में ऑफिस के अंदर का। इतनी सुंदर, इतनी प्यारी वाली चिकन। ज्योति के साथ अपना कंप्यूटर वाला काम निपटा के खाली समय पे सोशल मीडिया पे इधर उधर की चीजें नहीं देखती, बल्कि अपने आसपास जो हो रहा है उसे ध्यान से देखकर समझ के ये मेडिकल प्रोसीजर्स तक सीख गई है, और वो भी कोई छोटे मोटे नहीं, लोगों के ये दिल तक बदल देती है। अब ये जादुई मुर्गी यहाँ आई कैसे, इसके पीछे भी एक कहानी है। किसी ने गीता और सीता को एक आम मुर्गियों वाली दुकान पे बिकते देखा तो उनके मन में इनको बचाने की बात आई और वो इनको वहां से ले आए। मैंने सोचा कि इनका अब लाइफ बचाना चाहिए, ये लोग काफी चिल्ला रहे थे मतलब ना। सीता थोड़ी एंग्शियस टाइप थी कि कहीं आज मेरा कटने का नंबर ना आ जाए, वो इसी चिंता में घुली जाती थी। गीता ने ये एक्सेप्ट कर लिया था कि भाई वो कोई कुत्ता थोड़ा ही है जिसको कोई रेस्क्यू करने आएगा। वो अपना समय सीता को सांत्वना देने में बिताती थी। भाई अगर हम सभी किसी खराब सिचुएशन में भी हैं तो एक दूसरे को जितना हो सके उतनी मदद तो कर ही सकते हैं, और जब हम दूसरों की मदद करने में व्यस्त रहते हैं तो मस्त भी रहते हैं, और ये गीता के चेहरे पे साफ दिखता था। और सीता, कहते हैं ना कि चिंता चिता होती है, तो वो अपने इन्फेक्शन से नहीं लड़ पाई। इन्फेक्शन गीता को भी था, पर अपने सिरप्स को वो चरणामृत की तरह लेती और राम राम करते हुए उसने अपने खराब दिन काट दिए। अब राम नाम वो जपती थी तो जीवन दान तो उसको मिलना ही था, साथ ही में उसको दोस्ती का वरदान भी मिला। अब धूप निकली हो तो नेहा और ज्योति के साथ वो छुपन छुपाई खेलती थी। प्लीज टेल मी कि वो वहां है। पूरे जगह ढूंढ के आई है ना मैं, क्योंकि ये मेरे को छोड़ के कहीं नहीं जाएगी, है ना बच्चा? नहीं जाएगा ना? और किसी बिगड़ैल बच्चे की ही तरह मनमानी भी करती थी। खाना अपने बोल से नहीं खाएंगी मैडम, या तो उसको हाथ से खिलाओ या खाएंगी चार्ली का चुरा के। आराम से, आप ही खाएं। और केले और रस तो उसके फेवरेट हैं। मौसम बरसात वाला हो तो बाथटब में बैठ के इंसानों की तरह ही विचारती है कि पहले मुर्गी आई या अंडा। ऐसा विचारने वाले इंसानों को कैसे बताए कि ना तो खाएं मुर्गी और ना ही अंडा। तो गीता क्यों एक आम मुर्गी से अलग दिखती है? क्योंकि एक आम मुर्गी को हम देखते ही कहां हैं, और अगर देखे भी तो एक खेलती कूदती मुर्गी
एक तलती भुनती मुर्गी से अलग तो दिखेगी ही ना। और जीवन की ये सच्चाई गीता ने आपके दिल में उतार दी, ये जादू नहीं तो और क्या है। गीता चलो स्लीप टाइम, स्लीप टाइम। आज बच्चे नहीं ना, कल खेलेंगे, कल खेलेंगे। जितने लोग मुर्गियों को मरने के बाद प्यार करते हैं ना, उसके आधे भी अगर मुर्गियों को मरने से पहले प्यार करना शुरू कर दें तो हर साल 450 करोड़ जाने बचेंगी।